Hello friends, welcome to my channel. In this video we are going to discuss about section 236 and section 238. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन 236 से जिसमें दे रखा है परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग. ओके, तो इसका सब सेक्शन 1 कहता है हमें एन एक्वायरर या फिर पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट विद सच एक्वायरर, यानी एक्वायर जो है उसका कोई डायरेक्टर हो गया, यानी जो कंपनी एक्वायर कर रही है किसी और कंपनी को, उसके डायरेक्टर या फिर उसका कोई रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह, उनको हमने कह दिया कि उस कंपनी को हम एक्वायर कर रहे हैं, उसके आप भी शेयर्स ले लीजिए, राइट. तो उसको कह सकते हैं हम पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट विद सच एक्वायर. ओके, तो वो अगर हो जाता है बिकमिंग रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ 90% और मोर ऑफ द इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी. ओके, यानी ट्रांसफरर कंपनी, राइट. या फिर एनी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स वो बन जाते हैं 90% मेजोरिटी या फिर होल्ड करते हैं 90% ऑफ द इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी. ओके, तो इस केस में क्या होगा ना, वो जो एक्वायरर है या फिर पर्सन है या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स है, एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं. ओके, तो उनको नोटिफाई करना पड़ेगा किसको, कंपनी को. कौन सी कंपनी, जो ट्रांसफरर कंपनी है उसको नोटिफाई करने पड़ेंगे उसके इंटेंशन टू बाय द रिमेनिंग इक्विटी शेयर्स. ओके, यानी 90% तो उनके पास है ही और बाकी 10% जो है उनको एक्वायर करने हैं, तो इसके लिए उसको अपने इंटेंशंस बताने पड़ेंगे किसको, ट्रांसफरर कंपनी को, राइट. तो ये है सब सेक्शन 1. नेक्स्ट इज सब सेक्शन 2 जिसमें दे रखा है ऑफर ऑफ इक्विटी शेयर टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स बाय एक्वायरर या फिर पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन. ओके, यानी इसमें क्या होगा, जो एक्वायरर है या फिर पर्सन है या ग्रुप ऑफ पर्सन है जिनके पास मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है यानी 90%, वो क्या करेंगे, ऑफर देंगे किसको, माइनॉरिटी शेयर होल्डर को, राइट. द एक्वायरर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन शैल ऑफर टू द माइनॉरिटी शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी फॉर बाइंग द इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय सच शेयर होल्डर्स एट अ प्राइस डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूएशन बाय अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर. ओके, यानी जो वैल्यूएशन होगी वो कौन करेगा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, और वो प्राइस डिटरमाइन करेगा और उस प्राइस पे हम बाय कर सकते हैं वो पर्टिकुलर इक्विटी शेयर्स. तो इसके लिए हमें ऑफर दे सकते हैं. ओके, हम ऑफर दे सकते हैं उन पर्टिकुलर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को, बट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स 27. रूल 27 में जो भी मेथड्स दे रखे हैं उसके हिसाब से जो प्रोसेस होगा उस वैसे रजिस्टर्ड वैल्यूअर वैल्यूएशन कर देगा उस पर्टिकुलर इक्विटी शेयर्स की, और उसके अकॉर्डिंग हम ऑफर करेंगे किसको, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को. नेक्स्ट सब सेक्शन 3 जिसमें सेम उल्टा दे रखा है, यानी उसका जस्ट उल्टा, उसमें क्या होगा, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है वो ऑफर करेंगे किसको, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को, राइट. द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी मे ऑफर टू द मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स टू परचेज द माइनॉरिटी इक्विटी शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी एट अ प्राइस डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद रूल 27, सेम. ओके, तो पहले में क्या, मतलब सब सेक्शन 2 में क्या था, मेजॉरिटी वाले माइनॉरिटी को ऑफर देते हैं, ओके, फॉर बाइंग द इक्विटी शेयर्स. सब सेक्शन 3 में माइनॉरिटी वाले जो हैं वो ऑफर देते हैं मेजॉरिटी वाले को, और प्राइस कैसे डिटरमाइन होगी, अकॉर्डेंस विद रूल 27. ओके, नेक्स्ट इज सब सेक्शन 4 जो हमेशा आप देखते ही हैं कि जो डिपॉजिट होगा अमाउंट वो कहाँ पे होगा, सेपरेट बैंक अकाउंट में. यानी जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स है वो डिपॉजिट करेंगे वो पर्टिकुलर अमाउंट किसका, वैल्यू ऑफ शेयर्स का, टू बी एक्वायर्ड बाय देम अंडर सब सेक्शन 2 या फिर 3. ओके, या तो फिर उन्होंने ऑफर दिया होगा माइनॉरिटी को या फिर माइनॉरिटी ने ऑफर दिया होगा उनको. ओके, तो इसलिए लिख रखा है सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 3 एज द केस में भी. वो कहाँ पे देंगे, सेपरेट बैंक अकाउंट में, जो ऑपरेट कौन करेगा, कंपनी जिसके शेयर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं फॉर एटलीस्ट 1 ईयर फॉर पेमेंट टू द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. ओके, यानी वो जो पर्टिकुलर सेपरेट बैंक अकाउंट है ना, उसमें हम एक साल तक का टाइम है, हम एक साल के अंदर अंदर कभी भी जाके वो अमाउंट क्लेम कर सकते हैं, हम मतलब कौन, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. ओके, एंड सच अमाउंट शैल बी डिसबर्स टू द एंटाइटल्ड शेयर होल्डर्स विद इन 60 डेज. अब ये दो लिमिट क्यों है, बिकॉज कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी है कि उन्हें वो अमाउंट कहाँ देना पड़ेगा, मतलब डिसबर्स करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को विद इन 60 डेज. बट हो सकता है कोई शेयर होल्डर्स के बैंक अकाउंट में कोई दिक्कत आ रही है या फिर कोई भी दिक्कत आ रही है उनको अमाउंट ट्रांसफ़र करने में, देन एक साल के अंदर अंदर वो पर्टिकुलर पर्सन जो है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो है, उसको वो अमाउंट क्लेम कर सकता है. ओके,
कंपनी के पास जिम्मेदारी है कि उसको 60 डेज के अंदर डिसबर्स करना है। अब कोई टेक्निकल एरर आ रहा है या फिर कोई भी तरह की दिक्कत आ रही है ट्रांसफ़र करने में, उस केस में 1 साल का टाइम मिलता है किसको, माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स को, कि वो आके अपना अमाउंट जो है वो क्लेम कर ले। नेक्स्ट प्रोवाइडेड डेट, ये नेक्स्ट पॉइंट, ये जो प्रोवाइडेड है ये यही दे रखा है कि जो डिसबर्समेंट है शैल कंटिन्यू टू बी मेड टू द एंटाइटल्ड शेयर होल्डर्स फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी 1 साल तक डिसबर्स कर सकती है कंपनी, यानी जो शेयर होल्डर्स है वो आके क्लेम कर सकते हैं। हु फॉर एनी रीज़न हैड नॉट बीन मेड डिसबर्स, यानी किसी भी रीज़न के कारण डिसबर्स नहीं हुआ उनको विद इन द सेट पीरियड ऑफ 60 डेज, यानी 60 डेज के अंदर कंपनी डिसबर्स नहीं कर पाई, देन 1 साल का टाइम मिलता है और वो एंटाइटल्ड शेयर होल्डर जो है वो क्लेम कर देगा आके। तो ये दे रखा है कहाँ पे, सब सेक्शन 4 में ये सारी चीज़ें दे रखी है, डिपॉजिट ऑफ अमाउंट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। नेक्स्ट इज रोल ऑफ कंपनी हुज शेयर्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू एक्ट एज अ ट्रांसफर एजेंट इन द इवेंट ऑफ परचेज। अब इसका क्या मतलब है, इन द इवेंट ऑफ परचेज अंडर दिस सेक्शन परचेज क्या, माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। ओके, तो जो कंपनी है जिसके शेयर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो कैसे एक्ट करेगी, एज अ ट्रांसफ़र एजेंट, बिकॉज हम किसको पैसे भेजेंगे, ट्रांसफरर कंपनी को, यानी जो कंपनी हमारे अंदर अमालगमेट हो रही है या फिर मर्ज हो रही है, राइट, उसको हम पैसे भेजेंगे, और वो किसको पैसे दे देगी, वो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उसको। तो वो पैसे रिसीव कर रही है और पे कर रही है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को, तो हम कह सकते हैं कि वो एक्ट एज अ एजेंट कर रही है, राइट, यानी वो ट्रांसफ़र एजेंट के थ्रू, मतलब ट्रांसफ़र एजेंट की तरह काम कर रही है बीच में, किसके बीच में, ट्रांसफरी कंपनी के एंड माइनॉरिटी शेयर होल्डर शेयर होल्डिंग इन ट्रांसफरर कंपनी। ओके, उसके बीच में कौन है, ट्रांसफरर कंपनी। तो इसीलिए कहा गया है रोल ऑफ अ कंपनी हुज शेयर्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू एक्ट एज अ ट्रांसफर एजेंट इन अ इवेंट ऑफ परचेज। ओके, हम किसको भेजेंगे पैसा, ट्रांसफरर कंपनी को, और ट्रांसफरर कंपनी किसको दे देगी पैसे, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को। ओके, तो इसलिए उसको ट्रांसफ़र एजेंट कहा है। नेक्स्ट इज सब सेक्शन 6, जिसमें दे रखा है कंपनी जिसके शेयर्स जो है ट्रांसफ़र हो रहे हैं टू इशू शेयर्स। ओके, अब ये कब होगा, इन द एब्सेंस ऑफ अ फिजिकल डिलीवरी ऑफ शेयर्स बाय अ शेयर होल्डर विद इन द टाइम स्पेसिफाइड बाय द कंपनी, यानी जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने अपने शेयर्स दिए ही नहीं, यानी अपने शेयर्स बेचे ही नहीं। ओके, यानी हम उनके शेयर्स एक्वायर कर ही नहीं पा रहे हैं, और जो शेयर सर्टिफिकेट है वो क्या मान लिए जाएंगे, कैंसल्ड, एंड जो कंपनी है जिसके शेयर्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड शैल बी ऑथराइज टू इशू इन लियू ऑफ द कैंसल्ड शेयर्स। ओके, यानी कैंसल्ड शेयर्स जो है उसके बदले में हमें डुप्लीकेट शेयर्स जो है वो इशू करने पड़ेंगे, उसी का सबसेक्शन 6 है। ओके, एंड कंप्लीट करना पड़ेगा ट्रांसफ़र इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, बिकॉज जिस बंदे के पास वो शेयर्स है वो मिल नहीं रहा है या फिर हमें पता ही नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पे है। ओके, तो उस केस में क्या होगा, वो शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएंगे और वो ट्रांसफ़र मान लिए जाएंगे इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ओके, और उसके बदले में हमें बट इशू करने पड़ेंगे डुप्लीकेट शेयर्स। ओके, तो वो दे रखा है सबसेक्शन 6 में। थर्ड इज़ मेक पेमेंट ऑफ द प्राइस आउट ऑफ डिपॉजिट मेड अंडर सबसेक्शन 4 बाय द मेजोरिटी इन एडवांस टू द माइनॉरिटी बाय डिस्पैच ऑफ सच पेमेंट। ओके, सिंपल, हमें पेमेंट तो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज सब सेक्शन 7, जिसमें दे रखा है राइट ऑफ शेयर होल्डर्स टू मेक एन ऑफर फॉर सेल ऑफ माइनॉरिटी इक्विटी शेयर होल्डिंग। इसमें क्या बात दे रखी है कि इन द इवेंट ऑफ मेजोरिटी शेयर होल्डर्स या फिर शेयर होल्डर्स जो है उनको फुल परचेज चाहिए। ओके, एंड मेकिंग पेमेंट ऑफ प्राइस बाय डिपॉजिट विद द कंपनी, किस चीज़ के लिए, उस शेयर होल्डर के लिए जो जिसकी डेथ हो चुकी है या फिर सीज टू एग्जिस्ट। ओके, या फिर जिसके हायरर्स जो है या सक्सेसर्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स या फिर उनके असाइनी हैव नॉट बीन बॉट ऑन रिकॉर्ड बाय ट्रांसमिशन। ओके, वो रिकॉर्ड में नहीं है हमारे, उनके सक्सेसर्स वगैरह, मतलब जो भी उसका असाइनी है या फिर उसका एडमिनिस्ट्रेटर जो है। ओके, तो उस केस में क्या होगा, उनका जो राइट है किनका, उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर का जो माइनॉरिटी था। ओके, माइनॉरिटी है या था इन केस ऑफ डेथ। ओके, तो उस केस में क्या होगा, उनका जो राइट है वो वैसा का वैसा रहेगा, यानी वो क्लेम कर सकते हैं, उनका उनका जो अमाउंट है वो अवेलेबल रहेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ मेजोरिटी एक्विजिशन और मेजोरिटी शेयर होल्डिंग। ओके, यानी 3 साल तक वो जो है वो क्लेम कर सकता है। ओके, उनके सक्सेसर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स या फिर असाइनीज, उनके कोई भी अगर हो सकता है उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर कोई भी पर्सन जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है, वो क्या कर लेगा,
क्लेम कर देगा वो पर्टिकुलर अमाउंट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ओके, यानी उनका राइट जो है वो वैसा का वैसा रहेगा 3 साल तक। नेक्स्ट इज सब सेक्शन 8, जिसमें दे रखा है शेयरिंग ऑफ एडिशनल कंपेंसेशन। इसमें बेसिक सी बात दे रखी है कि अगर 75% ऑफ व्हाट, माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। ओके, सपोज कीजिए माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग जो है वो 10% है, राइट, बिकॉज 90% मेजोरिटी है, तो 10% माइनॉरिटी हुई। 10% का 75% यानी 7.5% जो शेयर होल्डिंग है ऑफ डेट माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग, वो अगर कह रही है कि हमें जो प्राइस मिलना चाहिए वो ज़्यादा मिलना चाहिए या फिर हम एग्री नहीं होंगे इस पर्टिकुलर प्राइस पे, देन क्या होगा, द मेजोरिटी शेयर होल्डर्स शेल शेयर द एडिशनल कंपेंसेशन, वो पे करेंगे उनको। ओके, और वो सो रिसीव बाय देम विद सच माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ऑन प्रो डेटा बेसिस, यानी बटेगा वो सब में। ओके, तो ये बेसिक सी बात दे रखी है सब सेक्शन 8 में, जिसमें दे रखा है कि अगर 10% जो माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग है उसका 75% निकालेंगे तो कितना हुआ, 7.5%। अगर 7.5% या उससे ज़्यादा के जो माइनॉरिटी इक्विटी शेयर होल्डिंग है वो नेगोशिएट करना चाहते हैं या फिर कोई ज़्यादा प्राइस चाहिए उनको फॉर डेट ट्रांसफ़र, ओके, तो उस केस में क्या होगा, जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल कंपेंसेशन देना पड़ेगा। तो उस सब से बातें दे रखी है वो सारी बातें सब सेक्शन 8 में। नेक्स्ट इज सब सेक्शन 9, जिसमें दे रखा है ऑन फेलियर ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, यानी जो शेयर होल्डर है या फिर ये मेजोरिटी इक्विटी शेयर होल्डर है वो एक्वायर नहीं कर पाता है फुल परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ द माइनॉरिटी इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी माइनॉरिटी इक्विटी शेयर्स जितने भी डिसेंटिंग थे यानी वो एग्री नहीं हो रहे थे उन्होंने बेचा ही नहीं, ओके, या फिर वो खरीद नहीं पाए मेजोरिटी वाले, बिकॉज कोई भी दिक्कत हो सकती है, वो एग्री नहीं कर रहे हैं बेचने के लिए, राइट, तो उस केस में क्या होगा, ये जो प्रोविजंस हैं इस सेक्शन के वो अप्लाई होते रहेंगे, राइट, किस पे, रेजिडुअल माइनॉरिटी इक्विटी शेयर होल्डर्स पे। अगर उनके जो शेयर्स हैं वो डीलिस्ट भी हो गए हैं साथ ही साथ 1 साल बीत चुका है या फिर पीरियड जो भी स्पेसिफाई कर रखा है रेगुलेशन ऑफ सेबी में वो इलेप्स हो चुका है, तो उसके बाद भी ये जो प्रोविजंस है इस सेक्शन के वो अप्लाई होते रहेंगे, राइट, तो ये दे रखा है सब सेक्शन 9 में। नेक्स्ट इज सेक्शन 238, जो कि है रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफर ऑफ स्कीम इन्वॉल्विंग ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, यानी जो भी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर से रिलेटेड हम स्कीम या फिर कॉन्ट्रैक्ट हम ऑफर करते थे उसके बारे में कुछ रजिस्ट्रेशन की बात है, वो है सेक्शन 238 में। ओके, तो सेक्शन 235 में हमने पढ़ा था कि जो ऑफर है वो देती है ट्रांसफरी कंपनी किसको, ट्रांसफरर कंपनी को, फॉरवर्ड टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, कहाँ से कहाँ पे, ट्रांसफरर कंपनी से ट्रांसफरी कंपनी में। ओके, तो एवरी ऑफर ऑफ अ स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स और एनी क्लास ऑफ शेयर्स इन द ट्रांसफरर कंपनी टू द ट्रांसफरी कंपनी। ओके, यानी ट्रांसफरर कंपनी से ट्रांसफरी कंपनी में जो ट्रांसफ़र होता है अंडर सेक्शन 235, उसके बारे में जो भी ऑफर देते थे उससे पहले कुछ रजिस्ट्रेशन या फिर कुछ सर्कुलेशन की बात दे रखी है सेक्शन 238 में। तो इसमें बेसिकली 3 चीज़ें होगी, यानी 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। पहला होगा कि जो भी सर्कुलर होगा फॉर डेट ऑफर या फिर रिकमेंडेशन टू द मेम्बर्स, वो जो है उसमें सारी चीज़ें एकम्पेंड होनी चाहिए, यानी उसमें होनी चाहिए इंक्लूड सारी इंफॉर्मेशंस एंड इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड। ओके, सेकेंड होगा जो हम पैसे देंगे उनको वो कैसे देंगे, उसका क्या तरीका है, क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, वो सारी बातें। एंड थर्ड इज़ उससे उसका हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ओके, उस पर्टिकुलर सर्कुलर का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, वही चीज़ें डिटेल में समझते हैं। सेक्शन 235 में जो हम ऑफर देते थे किस चीज़ का, स्कीम या कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स कहाँ से कहाँ तक, ट्रांसफरर कंपनी से ट्रांसफरी कंपनी में। ओके, तो उसके बारे में जो भी ऑफर था यानी जो भी सर्कुलर था कंटेनिंग सच ऑफर एंड रिकमेंडेशन टू द मेंबर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी बाय इट्स डायरेक्टर्स टू एक्सेप्ट सच ऑफर, उसको एकम्पेंड करना था किससे, सच इंफॉर्मेशन जो कि प्रेस्क्राइब्ड रूल 28 में। ओके, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है कहाँ पे होनी चाहिए, उस पर्टिकुलर सर्कुलर में। नेक्स्ट इज एवरी सच ऑफर शैल कंटेन अ स्टेटमेंट बाय और ऑन बिहाफ ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, डिस्क्लोज करने हमें वो जो स्टेप्स है इट हैज़ टेकन टू इंश्योर दैट द नेसेसरी कैश जो है वो अवेलेबल है। ओके, तो उसके क्या स्टेप्स होंगे, कैसे हम कैश में देंगे उनको पैसे या फिर जो भी चीज़ें होगी उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ओके, डिस्क्लोज करने पड़ेंगे स्टेप्स। थर्ड इज एवरी सच सर्कुलर
शैल बी प्रेजेंटेड टू द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके, हमें उस सर्कुलर का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एंड नो सच सर्कुलर शैल बी इशूड अनटिल इट इज़ सो रजिस्टर्ड। ओके, विदाउट रजिस्ट्रेशन हम वो सर्कुलर नहीं बांट सकते, यानी उस पर्टिकुलर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको नहीं दे सकते या फिर उनकी कंपनी को नहीं दे सकते फॉर अप्रूवल। ओके, तो ये तीन कंडीशंस हैं वो हमें फॉलो करनी पड़ेगी बिफोर मेकिंग एनी ऑफर अंडर सेक्शन 235। ओके, प्रोवाइडेड दैट रजिस्ट्रार अगर रिफ्यूज़ करता है फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, तो रजिस्टर एनी सर्कुलर विच डज नॉट कंटेन इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी गिवन अंडर क्लॉज ए। क्लॉज ए में क्या दे रखा था कि जो भी सर्कुलर है उसमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कौन सी, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड इन मैनर इन रूल 28। ओके, तो रूल 28 में जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, यानी जो भी रूल्स दे रखे हैं किससे रिलेटेड, वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, वो अगर उस पर्टिकुलर सर्कुलर में नहीं है देन रजिस्ट्रार रिफ्यूज़ कर सकता है। बट उसको रीजंस जो है वो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे इन राइटिंग टू रजिस्टर एनी सच सर्कुलर विच डज नॉट कंटेन इंफॉर्मेशन जो कि रिक्वायर्ड है अंडर क्लॉज ए। क्लॉज ए क्या है, इंफॉर्मेशन एज पर रूल 28। ओके, और विच सेट्स आउट सच इंफॉर्मेशन इन अ मैनर लाइकली टू गिव फॉल्स इंप्रेशन जा रहा है उस पर्टिकुलर सर्कुलर से, एंड कम्युनिकेट सच रिफ्यूजल टू द पार्टीज विद इन 30 days ऑफ द एप्लीकेशन। ओके, वो क्या करेगा, 30 दिन के अंदर अंदर हमें कम्युनिकेट कर देगा कि वो जो आपका सर्कुलर है वो रिफ्यूज हो चुका है फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ये आप ध्यान रखना कि गिवन अंडर क्लॉज ए, यानी जो रूल 28 है उसके मैनर में इंफॉर्मेशन हमने अकम्पेट नहीं की है उस पर्टिकुलर सर्कुलर में। ओके, नेक्स्ट इज अपील शैल लाई टू द ट्रिब्यूनल अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ द रजिस्ट्रार रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर एनी सर्कुलर। ओके, अंडर सब सेक्शन वन में जो रजिस्ट्रार अगर जो क्लॉज ए था रूल 28 वाला उसमें अगर कोई भी इंफॉर्मेशन की कमी लगती है उसको, और रजिस्ट्रार इन राइटिंग लिख देगा वो रीजंस और फिर रिफ्यूज़ कर देगा टू रजिस्टर डैट सर्कुलर। ओके, तो उसके बाद क्या है ना, अपील हम कर सकते हैं किसको, ट्रिब्यूनल को फॉर डैट पर्टिकुलर रिफ्यूजल। ओके, फिर ट्रिब्यूनल डिसाइड कर लेगा। नेक्स्ट इज द डायरेक्टर हु इशूज अ सर्कुलर, जिस भी डायरेक्टर ने इशू किया है वो सर्कुलर विच हैज़ नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्टर्ड अंडर क्लॉज सी ऑफ सब सेक्शन वन। क्लॉज सी में क्या था, रजिस्ट्रेशन। ओके, यानी सर्कुलेट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओके, बिफोर मेकिंग एनी ऑफर अंडर सेक्शन 235 हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर सर्कुलर का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा विद रजिस्ट्रार। तो अगर रजिस्टर्ड नहीं किया उसने, यानी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और फिर भी उसने क्या कर दिया, इशू कर दिया वो सर्कुलर, देन पेनल्टी लगेगी 1 लाख रुपये की, किसको, डायरेक्टर को, जिसने भी इशू किया वो पर्टिकुलर सर्कुलर।